नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इनपो। दोस्तों चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अप्रैल से जून तक वेतन देने की हो रही है तैयारी, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नियोजित शिक्षकों के अप्रैल से जून महीने के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों से वेतन राशि आवंटन के पूर्व जिलों से डिमांड तलब की है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अर्चना वर्मा ने जिलों से सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े कार्यक्रम पदाधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को मार्च महीने तक का वेतन दिया जा चुका है, अप्रैल से जून का वेतन देना है। उन्होंने कहा कि पूर्व जिला परियोजना परिषद को डिमांड से अवगत कराएं, साथ ही किस जिले में पूर्व से आवंटित राशि में कुछ हिस्सा अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी उन्होंने जिलों से मांगी है। उन्होंने पत्र में कहा है कि जिलों से जो डिमांड मुख्यालयों के दी जाती है वो स्पष्ट नहीं होती, डिमांड से पता ही नहीं चलता कि जिले में कितनी राशि अवशेष है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो सके इसके लिए आवश्यक है कि सभी जिले स्पष्ट डिमांड बनाकर प्रेषित करें। परियोजना परिषद सूत्रों की माने तो जिलों से डिमांड मिलने के बाद शिक्षकों के 3 महीने का वेतन भुगतान के लिए जिलों का आवंटन दिया जाएगा। तो ये शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है, ताकि उनकी जो वेतन भुगतान है वो समय हो सकेगा और वो अपने जो रेगुलर जो काम है उसको पूरा कर सकेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।